नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त मुकेश कपूर आपके साथ एक बार फिर। दोस्तों, ये एपिसोड नंबर 2 है। जैसे कि हमने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि हम 5 वीडियो का एक सीरीज लेके आ रहे हैं, तो ये उसी के संदर्भ में एपिसोड नंबर 2 है, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि केवा काइपो इंडस्ट्री का एरिया स्टॉक पॉइंट या होम स्टॉक पॉइंट कहाँ लें। एपिसोड नंबर 1 में हमने बात की थी कि केवा काइपो इंडस्ट्री के एरिया स्टॉक पॉइंट या होम स्टॉक पॉइंट कौन लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जो कि जबरदस्त थी, आपको बहुत प्यार मिला। पावर ऑफ जीरो स्टॉक पॉइंट आएंगे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा। दोस्तों, हमें सर्वे करना चाहिए कि आप जितने लीडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें सर्वे करना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ जुड़ी हुई टीम वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया में काम कर रही है, वो कहाँ कहाँ काम कर रही है। जहां जहां वो काम कर रहे हैं उनको आपके हमारे बिजनेस लोगों का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, उनको बिजनेस प्लान दिखा के समझा के जोड़ने का बिजनेस है, राइट। हमें सर्वे करना चाहिए कि वो कहां कहां काम कर रहे हैं। जहां पे वो काम कर रहे हैं उनको एसटीपी करना होता है, जो कि मूल मंत्र है ड्रग मार्केटिंग में सफलता के लिए, मीन शो द प्लान करना होता है। जब प्लान उनको शो करना होता है, बिजनेस को दिखाना होता है, अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना होता है, उसको प्रोडक्ट लेके देना होता है। आपने नए प्रोस्पेक्ट को बिजनेस दिखाया, वो एग्री हुए, इंटरेस्टेड हुए, आप उनको लेके अगर उस नए प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट दिलाने के लिए अगर आपको 1 से 2 किलोमीटर से ज़्यादा जाना पड़े, तो उस जगह को चिन्हित कर लीजिए, उस जगह को मार्क कर लीजिए, उस जगह को लिख लीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे आपको एरिया स्टॉक पॉइंट की या होम स्टॉक पॉइंट की आवश्यकता है। क्योंकि 1 से 2 किलोमीटर के अंदर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है और आपको और ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा है। दोस्तों, केवा काइपो इंडस्ट्री के पास 550 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 1400 से ज्यादा कैटेगरी है और हमारे बहुत सारे सामान तो रोजमर्रा के सामान है, तो रोजमर्रा के सामान को लेने के लिए हमें इतनी दूर क्यों जाना पड़े। हमारी टीम में, हमारे इस एरिया में जितने ज्यादा हमारे एरिया स्टॉक पॉइंट या होम स्टॉक पॉइंट होम स्टॉक पॉइंट होंगे, हमारे बिजनेस की ग्रोथ उतनी तेजी से होगी। क्योंकि एरिया स्टॉक पॉइंट होम स्टॉक पे नए लोग आएंगे, प्लान बिजनेस प्लान को देखेंगे, समझेंगे, ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद वो प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे, वहीं से लेंगे। जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया और प्रोडक्ट ले लिया तो आपका बिजनेस हो गया शुरू और आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। मीन्स आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, एरिया स्टॉक पॉइंट की अवेलेबिलिटी, प्लान की अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट को बेचना, काम शुरू हो गया और ये काम शुरू होके लेके जाएगा आपको अपने सपनों के और नजदीक। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आज ही अपनी उन जगह का ध्यान कीजिए, अपनी टीम से बात कीजिए। अगर आपको ये पैमाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा पैमाना है, 1 से 2 किलोमीटर के अंदर अगर आपको जाना पड़ता है उससे दूर, तो जगह को चिन्हित करके उसका नाम अपने लिस्ट में लिख लीजिए, वो एरिया आपको एरिया स्टॉक पॉइंट के लिए चाहिए। पर अगर आपको बल्क में सामान लेना है, ज़्यादा सामान लेना है, तो अगर आपको 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना पड़ता है तो आपको वहाँ पर सुपर स्टॉकेज की आवश्यकता है। तो ये 2 पैमाने को अगर आप कर लेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ज्वाइनिंग करने वाले नए साथी को प्रोडक्ट मिलेगा, वो बिजनेस में ज्वाइन होगा, बिजनेस की ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ेंगे, आपके सपने पूरे होंगे, आपके साथ आपकी टीम के सपने भी पूरे होंगे। तो आप उस जगह की लिस्ट बनाइए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि केवा काइपो के एरिया स्टॉक पॉइंट होम स्टॉक पॉइंट का मतलब सफलता की गारंटी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।